आमिर खान की लास्ट इन चड्ढा फिल्म जिसने भी देखी है वो फिल्म की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। अभी तक तो सेलेब्स और फैंस आमिर की फिल्म को शानदार बता रहे हैं। फिल्म की कहानी और किरदार लोगों को पसंद आ रहे हैं। मलयालम फिल्म हलुमाला को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है। मूवी सिनेमा घरों में 12 अगस्त को रिलीज होगी। हलुमाला के सितारे मॉल में मूवी का प्रमोशन करने गए तो वहां भारी भरकम भीड़ नजर आई और टॉयलेट पेपर पहनने पर एक्ट्रेस स्मिथ का जवाब। हाल ही में मिक्का दी वोटी फेम एक्ट्रेस स्मिथ महल को उनके टॉयलेट पेपर पहनने वाले लेटेस्ट फोटोशूट के चलते ट्रॉल किया जा रहा है, जिस पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, हमारे अंदर की गंदगी को कैसे साफ किया जाए, यही इस फोटोशूट के पीछे का कॉन्सेप्ट था। एक्ट्रेस रुबीना दिलेक झलक दिखला जा में नजर आने वाली हैं। इस पर उन्होंने कहा कि माधुरी दीक्षित के सामने डांस करना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है। फिल्म लास्ट इन चड्ढा के स्क्रीनिंग पर एक्स वाइफ संग आमिर खान पहुंचे। एक्ट्रेस करीना कपूर भी अपने परिवार के साथ स्क्रीनिंग पर पहुंची। एक्टर मुकेश खन्ना के लड़कियों के बयान पर बवाल मच गया है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को सेक्स के लिए बोलती है तो वो लड़की नहीं है। मुकेश के इस बयान पर लोगों ने उन्हें सॉरी कहा। एक्ट्रेस उर्वशी रोतेला ने जिप्ट के सिंगर के प्रपोजल पर बयान दिया है। एक्ट्रेस का कहना है कि सिंगर की पहले ही दो पत्नियां और चार बच्चे हैं। उर्वशी ने कहा कि लाइफ में खुद से प्यार करना बेहद जरूरी है, मैं हमेशा खुद को खुश करना चाहती हूँ। टेलीविजन शो कुंडली भाग्य फेम धीरज ध्रुव पर पिता बन गए हैं। धीरज की पत्नी विन्नी ने बेटे को जन्म दिया है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। टेलीविजन शो नागिन 6 और तेजस्वी के फैंस के लिए खुशखबरी है। अक्टूबर में शो के खत्म होने की खबरों पर विराम लग गया है। शो अक्टूबर में खत्म नहीं हो रहा है, अभी शो में कई और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। कौन बनेगा करोड़पति 14 में अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग के बारे में बात की। अमिताभ ने बताया कि वे सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। सोशल मीडिया पर उन्हें लोगों की गालियों का सामना भी करना पड़ा।